झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोकसभा सांसद संजय सेठ। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, लगातार महागठबंधन के विधायकों का कहना है कि इस तरीके से जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर सरकार को डराया जा रहा है, गिराने की कोशिश की जा रही है, और उसी तरीके से झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। कहां डराया जा रहा है? जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की वहां से पैसे बरामद हो रहे हैं, पैसे ऐसे वैसे नहीं, करोड़ों करोड़ में। तो ये क्या डराया जा रहा है? आप भ्रष्टाचार करोगे, आप जनता का पैसा भ्रष्टाचार के रूप में कालाधन रखोगे, तो ईडी कार्रवाई नहीं करेगी, सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी, इनकम टैक्स कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप ऐसे कर्म मत करो, कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं करे। आप कर्म करोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, कालाधन काली कमाई करोगे, तो एजेंसियां काम करेंगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंच गए और कयासों का बाजार गर्म हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द लिफाफा खुलेगा और राज्य की जो सियासी सरगर्मी वो काफी तेज हो जाएगी। राज्यपाल महोदय चेन्नई गए थे, चेन्नई से वापस आए, अब क्या है, वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, कोई आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? और डर भरे लग रहा हो क्या? हमने तो भाई काली कमाई की है, जमीनों की लूट की है, खनिजों की लूट की है, तो कार्रवाई होगी, तो ये डर है। अब डर है तो इसमें हम क्या करें? और कयास तो बहुत सारे लगते हैं, कयास लगने में कुछ नहीं है। गांडे विधानसभा सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि वहां पर जल्द से जल्द उपचुनाव होना चाहिए, जिसको लेकर चुनाव आयोग भी गए थे। एक और जहां बीजेपी का कहना है कि वहां पर कोई जरूरत नहीं है, निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। गांडे विधानसभा क्यों, क्या कारण था? अभी साल भर बाकी, क्यों इस्तीफा दे दिया? क्या कारण थे? ये भय, ये डर। तो ये डर के कारण दूसरे विधायक से सौदा किया गया, उससे इस्तीफा दिलाया गया। ये डर तो आप डर रहे हो ना, आप भाग रहे हो, ईडी का भय आपको सता रहा है, सत्ता का लोभ आपको पीछे नहीं छोड़ रहा है, तभी तो आप इस्तीफा दिलाए। क्या कारण था? ना वो बीमार थे, ना असंतुष्ट थे, क्यों इस्तीफा दिलाया गया? तो डर भय साक्षात दिख रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं, बीजेपी की ओर से क्या कुछ रणनीति फिलहाल तय की गई है, किस तरीके से आगे कार्य करेंगे? नहीं नहीं हम सब तैयार हैं, हम सब तो पांचों साल काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव आया तभी जाए, आप हमको देखो 365 दिन घूमते हैं। ये नहीं कि चुनाव आया आप सांसद का चुनाव तो घूमो, नहीं, 365 x 5 घूमते रहते हैं, 24 आवर्स।